कश्मीर फाइल्स की रिलीज को एक महीना पूरा होने जा रहा है। इस पीरियड में फिल्म ने ढेर सारे पैसे कमाए, विवादों का भी ठीक ठाक शेयर इस फिल्म के हिस्से आया। हालांकि अब तक किसी सेलिब्रिटी ने इस फिल्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ट्रोलिंग, फिल्म बैन करवाने की मांग, स्टार्स का बॉयकॉट, इससे सब कोई डरते हैं। मगर ट्विंकल खन्ना अब एक्टिंग नहीं करती, इसलिए उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। उन्होंने अपने हालिया कॉलम में द कश्मीर फाइल्स पर बात की है। उन्होंने लिखा कि वो भी एक फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसका नाम होगा नेल फाइल्स। ये बात उन्होंने जाहिर तौर पर मजाकिया लहजे में कही है। मिसेस फनी बोन्स के नाम से कॉलम लिखने वाली ट्विंकल खन्ना ने अपने हालिया राइटअप में लिखा है, एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में मीटिंग के दौरान मुझे बताया गया कि द कश्मीर फाइल्स को श्रद्धांजलि देते हुए नई फिल्मों के टाइटल रजिस्टर करवाए जा रहे हैं। चूंकि बड़े शहरों पर पहले ही दावे किए जा चुके हैं, इसलिए अब अमीर लोग अंधेरी फाइल्स, खार डंडा फाइल्स और यहाँ तक कि साउथ बॉम्बे फाइल्स जैसे नाम रजिस्टर करवा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरे सहकर्मी अब भी खुद को फिल्म मेकर कहेंगे, या इन सब फाइलिंग के साथ वो भी ओरिजिनल नेशनलिस्ट मनोज कुमार की तरह क्लर्क बन जाएंगे। अपने कॉलम में इसी मसले पर आगे बात करते हुए ट्विंकल कहती हैं कि वो भी नेल फाइल्स नाम की फिल्म बनाने की सोच रही हैं। उन्होंने इस फिल्म का आइडिया अपनी माँ डिम्पल कपाड़िया से भी डिस्कस किया। डिम्पल ने उनसे पूछा कि क्या ये फिल्म खराब मैनिक्योर की समस्या से जुड़ी होगी, जिसके जवाब में ट्विंकल लिखती हैं, हो सकता है, मगर कम से कम ये सांप्रदायिक ताबूत में अंतिम कील से तो बेहतर होगी। एक तरफ ट्विंकल द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके पति यानी अक्षय कुमार इस फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा था, द कश्मीर फाइल्स में आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बेहद शानदार चीजें सुनने को मिल रही हैं अनुपम खेर, बड़ी संख्या में लोगों को सिनेमाघरों में वापस लौटते देखकर अच्छा लग रहा है, जल्द ही फिल्म देखने की उम्मीद करता हूँ, जय अंबे। अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सामने थिएटर्स में रिलीज हुई थी, मगर बच्चन पांडे द कश्मीर फाइल्स की आंधी में उड़ गई। बावजूद इसके अक्षय कुमार इस फिल्म के समर्थन में खड़े नजर आए। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, विवेक जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है, ये फिल्म एक भेंट बनकर आई, ये और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबो दिया है। 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स ने बीते रविवार तक देश भर में 244 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और पुनीत इस्सर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूं हर्षिता, शुक्रिया।